ना ना तारा खुले दो खुले दो कश्मीर किंतु एक बार हुआ अरेस्ट किया है। ये अगरतला टाउन में बहुत सारे दिन से हम लोग खबर लगाया था, इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक हमने काम किया है कि बहुत दिनों से ये चोर जो है ये गैंग के तरह ऑपरेट कर रहे थे। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि एक चोरी हुआ जो टुक टुक व्हीकल है जो टॉम टॉम बोलते हैं उसका ये लोग बैटरी ओपन करके डिसमेंटल कर रहे थे, तो हमारा टीम पहुंच गया उधर और उसको अरेस्ट किया। पहले दो लोगों को अरेस्ट किया, आशीष कुमार शाह और तमल पॉल। हमने टॉम टॉम रिकवरी किया और उसको इंट्रोगेशन करने के बाद एक और चोर को पकड़ा पप्पी देवना, उसके पास से हम लोग लैपटॉप भी बरामद किया है, एक लैपटॉप एचपी लैपटॉप और एक Xiaomi मोबाइल फ़ोन और कुछ बैटरीज, तीन चार बैटरीज और एक वाटर पम्प और भी इनका इंट्रोगेशन चल रहा है। ये पूरा गैंग में ऑपरेट करते हैं, पूरा सिटी में ये लोग बहुत सारा चोरियाँ किया है और भी रिकवरी होने का हमारा कोशिश है, और भी रिकवरी होगा इस केस में। इस केस में हमने एक स्पेसिफिक केस भी रजिस्टर किया है ईस्ट अगरतला पीएस में अंडर सेक्शन 448, 457, 380, 401, 382 डी ऑफ आईपीसी में केस लिया है। ये चोरी कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये कल रात को हुआ था जो टॉमटॉम का, और रिमेनिंग जो आइटम्स है इसका अभी ओनर हमने एस्टेब्लिश नहीं किया है। जो लैपटॉप है, बैटरीज है और वाटर पंप है, अभी उसका एस्टेब्लिश करेंगे जो भी ओनर है उनको हैंड ओवर। टॉमटॉम के आज को बोले हो क्या काल? हाँ, अभी अभी जस्ट। चोरी का छोटा मोटा चोरी हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि ये सब एक गैंग के मोस्टली, ये लोग आप जैसे देख रहे हैं ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो जब भी इनका ड्रग का सप्लाई बंद होता था ये छोटा मोटा ये घर में जाके लैपटॉप उठाना, फोन उठाना, ऐसे ही ये लोग कर रहे थे। तो हम लोग बहुत दिनों से इनका ट्रैक कर रहे थे, तो आज हमें सक्सेस मिला। हाँ, ये बहुत हमें मदद मिल रहा है, इसके बहुत हम लोग सीसीटीवी की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों मिला के हमने पकड़ा। सर, ज्यादातर कैमरा स्मार्ट सिटी का ज्यादातर कैमरा काम ही नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा रिपोर्ट नहीं है। जो भी काम नहीं करता है हम इमीडिएटली एजेंसी को हम लोग कंप्लेंट देते हैं और तुरंत ठीक भी हो जाता है, और मैक्सिमम कैमरा अभी फंक्शनल है। और क्वालिटी के अच्छा तो नहीं है सर? नहीं, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, इसमें अच्छा क्वालिटीज भी है और नॉर्मल क्वालिटी। चोरी के केसेस कुछ क्षेत्र में हॉस्पिटल्स में भी नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ दिन पहले विजिट भी किया था एजेंट हॉस्पिटल, सो रिगार्डिंग द हॉस्पिटल सिक्योरिटी पर भी हम लोग। हां, हॉस्पिटल सिक्योरिटी में ऑलरेडी उधर गार्ड है, उनको भी हम लोग चेतावनी लेके आए हैं, क्योंकि उस दिन जो चोरी हुआ था उसका गार्ड के सामने ही हुआ था, तो वो लोग अलर्ट ही नहीं थे, तो हम लोग अभी उनको अलर्ट किया कि सभी गार्ड्स में अभी हम रात में एक स्पेशल टीम बना के पूरा रात में गार्ड चेकिंग होता है, तो इसमें एक हमने ECDR को भी लगाया और दो स्पेशल इंस्पेक्टर्स है उनको सिर्फ नाइट ड्यूटी के लिए लगाया, उसके अलावा हमारा एडिशनल स्पेस वो भी हमारा पूरा DSP जो है उनको भी नाइट शेड्यूल होता है, तो अभी गार्ड को हम अलर्ट करते हैं कि कैसे चोर आता है, क्योंकि वो लोग अलर्ट नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा है कि चोर कौन है चोर कौन नहीं है, तो ये थोड़ा पेशेंट पार्टी है, ये हम थोड़ा अलर्ट करके रखा है। सर, कुछ दिन पहले एक केस आया था जहाँ पर जो काउ जो थेफ्ट हुआ था, उस केस में दो जन को अरेस्ट किया गया है, इसका कोई अपडेट? सिर्फ दो जन को ही अरेस्ट किया गया है? नहीं नहीं, अभी और भी चल रहा है, क्योंकि ये तो मॉब लिंचिंग का था, तो इसमें अभी और एविडेंस आने से, हम लोग ऑलरेडी एविडेंस आया है, जल्द से जल्द और भी हम लोग इस केस में पकड़ेंगे। तो चोर के समय का मार्केट वैल्यू कितना है? इसका मार्केट वैल्यू ये सब मिला के 3-4 लाख होगा।